हाय गाइस, व्हाट्सअप देश मुझे बटर चैनल शो टीवी। गाइस, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी फ्री नोटिफिकेशन पर चले जाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ये बिल्कुल फ्री है। तो फिर चले तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं जुपिटर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने सन और मून पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तुला से छोड़ के जुपिटर स्कॉर्पियो राशि पर आने वाले हैं 11 अक्टूबर से। तो इसका इफेक्ट क्या होगा आपके लाइफ के ऊपर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके एवं वीडियो के अंत पर आप लोग देख सकते हैं। तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाता है सूरज के बाद एस्ट्रोलॉजी में। जुपिटर के बाद आता है शनि, दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट। जुपिटर को सबसे ज़्यादा सुपरनेचर के सुपर प्लैनेट कहा गया है, जिसके कारण जुपिटर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट कहा जाता है। कहते हैं कुंडली में अगर सही पोजीशन पे सारे प्लैनेट ना हो, अगर जुपिटर अच्छे पोजीशन में हो तो इंसान की लाइफ इतनी भी बुरी नहीं जाती, ठीक ठाक चल जाती। इसलिए जुपिटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे नेचर के सुपर प्लैनेट कहा जाता है। तो आगे आपको पूरा इस वीडियो को देखना पड़ेगा जुपिटर के बारे में जानने के लिए। जैसे रिलेशनशिप में सूरज को पिता का कारक और सन को माता का कारक लिया गया, उसी तरह जुपिटर को गुरु का कारक लिया गया। जुपिटर हमारे जिंदगी में जब अच्छे पोजीशन, हमारे कुंडली में जब अच्छे पोजीशन पर स्थित हो, तब हमारे अच्छे गुरु मिलते हैं जो हमें अच्छे परामर्श देते हैं, हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। उसी तरह उनके साथ हमारा रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया बना रहता है। और अगर जुपिटर पूरे पोजीशन में हो तो क्या होगा, हमें अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे, हमें अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, जो हमें बुरा परामर्श दे ऐसे टीचर हमें मिलेंगे। जुपिटर कुंडली में लक का कारक होता है, विजडम का कारक होता है, एडुकेशन का कारक होता है, मैरिज का कारक होता है, बच्चों का कारक होता है, गवर्नमेंट का कारक होता है, पॉलिटिक्स का कारक होता है। सबसे ज़्यादा नैसर्गिक सुख है, इसी कारण से जुपिटर को कहा गया है। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सब कुछ का कारक जुपिटर होता है, इसी वजह से इसको सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट कहा गया। और लड़कियों के लिए जुपिटर पति का कारक होता है। जब मैरिज नहीं हो रहा है किसी बच्चे, किसी लड़की का या फिर लड़कों का, तब जुपिटर के गोचर के माध्यम से भी हमें सही समय मिलता है मैरिज के लिए। जुपिटर का जो राशि होता है वो होता है धनु राशि, जो 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और मीन राशि, जो हमारे 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर का मूल त्रिकोण राशि होता है धनु राशि, 10 डिग्री तक वहाँ पर मूल त्रिकोण राशि का सबसे पावरफुल पोजिशन पर रहता है। इसके बाद जो रहता है 11 से लेकर 30 डिग्री तक वो नॉर्मल पोजिशन पर रहता है। इसके बाद जुपिटर जिस राशि में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो है कैंसर। कैंसर में जुपिटर 10 डिग्री तक सबसे ज़्यादा परम उच्च कहा जाता है, कोई कोई इसे 15 डिग्री भी मानता है। उसी तरह जुपिटर के यहाँ पर जुपिटर जो कैंसर राशि होती है सबसे ज़्यादा फली होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल महसूस करते जुपिटर जो होता है कैंसर राशि में। उसी तरह जुपिटर उसके सातवीं राशि मतलब मकर राशि पर, वहाँ पर जुपिटर 10 डिग्री तक परम उच्च रहते हैं, और यहाँ पर उसके बाद जो फल मिलता है 10 डिग्री के बाद 30 डिग्री तक वहाँ पर सामान्य फल देता है, इतना भी बुरा नहीं होता। लेकिन कोई कोई मानता है 5 डिग्री तक नीचे का रहता है। ये अलग अलग ज्योतिष का अलग अलग मत होता है, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जुपिटर जो जिन हाउस पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है वो है 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस। 5th हाउस क्यों दोस्तों, 5th हाउस हमारे बच्चों का होता है, हमारे एंटरटेनमेंट का होता है, हमारे लव रिलेशनशिप का होता है। 12th हाउस हमारे लक का होता है, हमारे भाग्य का होता है, हमारे पिता से संबंध का होता है, हमारे धर्म रिलेटेड होता है। और 12th हाउस के होते हैं 12th हाउस मोक्स का होता है, जिसके कारण यहाँ पर जुपिटर सबसे ज़्यादा अच्छे परिणाम देते हैं। इसी तरह जुपिटर 1st हाउस में सबसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिलता है। 1st हाउस में जैसे बुध 1st हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलता है, इसी तरह जुपिटर को भी 1st हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलता है। जुपिटर को जो दृष्टि होता है, जिस घर में बैठते हैं उस घर में जुपिटर उस घर का फल बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा एक प्लैनेट होता है। और जुपिटर की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि होती है। इस दृष्टि में कहा जाता है अमृत होता है। तो ये 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि जिस घर में ही पड़ेगा इस घर का फल बढ़ा देगा। जुपिटर का दिशा होता है ईशान कोण। जुपिटर का रत्न होता है पोखराज। जुपिटर गोल को रिप्रेसिप करता है। जुपिटर का कलर होता है, हम सभी को पता है, येलो।
जुपिटर हमारे बृहस्पतिवार को रिसीव करता है, मतलब थर्सडे को। अगर आपके कुंडली में जुपिटर पूरी पोजिशन में, तो थर्सडे का वर्ष करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलता है। जुपिटर के लिए आप लोग भगवान विष्णु का आराधना कर सकते हैं। जुपिटर फैट को रिसीव करता है, मतलब मोटेपा को रिसीव करता है। जिसकी कुंडली में जुपिटर केंद्र में था वो इंसान मोटा हो जाता है उम्र बनने के साथ साथ। जुपिटर हमारे लंग्स, किडनी, इसके साथ साथ लास्ट इंटेस्टाइन, हमारे ब्रेन, हमारे जीभ, कान का कारक होता है। मतलब अगर जुपिटर सिचुएशन हो तो ये सब चीज़ हमारे किडनी और थाई को भी रिसीव करता है जुपिटर। अगर एक कुंडली में जुपिटर अच्छी पोजिशन पर हो तो इसलिए कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होता, ये बहुत बढ़िया रहता है। अगर जुपिटर खराब पोजिशन पर हो तो इसके लिए प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। जुपिटर इसके साथ साथ हमें जॉन्डिस, कोई ऑर्गन बनने की बीमारी, बहुत ज़्यादा मोटेपा की बीमारी, ये सब कुछ जुपिटर से हमें मिलता है। और इन सब चीज़ों से जो रिसीव करते हैं उसके लिए प्रॉब्लम हमें होता है, ईयर का प्रॉब्लम भी होता है दोस्तों जुपिटर के खराब पोजिशन पर हो। जुपिटर जिसकी पोजिशन में जुपिटर अच्छी पोजिशन पर हो उसको लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, मान सम्मान बहुत मिलता है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे करोड़पति हो जाएगा लेकिन पैसे की लाइफ में कमी नहीं रहेगी। अच्छी फैमिली लाइफ जिएगा, ईगो कम होगा, दूसरे की मदद करने वाला, दूसरे उनको पूछ कर काम करने वाला होगा, इन सब क्वालिटी, अच्छे एजुकेशन होगा। एजुकेशन अगर ना भी मिले ज़िंदगी में लेकिन बेसिक ज्ञान इनमें बहुत ज़्यादा होगा। पॉलिटिक्स से, गवर्नमेंट से उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा लाइफ में, और लोगों से बनी रहेगी, मान सम्मान की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी, अच्छे संतान मिलेंगे, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अगर जुपिटर खराब पोजिशन को तो कभी कभी देखा गया है कि ये लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं रहते इनके लाइफ में। इसके साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई इनका तारीफ करे तो ठीक है, नहीं तारीफ करेंगे बहुत बुरा हो जाएगा, बात नहीं करेगा, मार पिटाई पर चले जाते कभी कभी। तो जुपिटर को सही पोजिशन पर लाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जुपिटर सबसे नैसर्गिक शुक्र इसी वजह से कहा जाता है। लाइफ में जो अच्छे शिक्षा से गुरु की ज़रूरत होती है, अच्छे पिता के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गुरु की, वो जुपिटर से हमें मिलता है। जुपिटर से जो लोग प्रभाव होते हैं, ये लोग टीचर सेक्टर में, पॉलिटिक्स सेक्टर में, मतलब रसोई का काम करना, वैसे मास्टर से ऐसा सेफ का काम करना, लॉयर, डॉक्टर, पायलट, इन तरह का चीज़ों का भी काम करते हैं, लाइब्रेरियन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं। तो जुपिटर खानों के भी रिसीव करता है, क्योंकि जो इसका जुपिटर बहुत बढ़िया है, ये लोग खाने में बहुत शौकीन होते हैं, चटपटी खाने को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मोटापा भी मरने लगता है, क्योंकि खाने पर ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके साथ साथ जुपिटर के जिनके साथ दोस्ती होते हैं दोस्तों, वो कौन कौन है दोस्तों? पहला है सूरज, इसके बाद मंगल के साथ दोस्ती होती है, और चंद्रमा के साथ। जुपिटर के जिनके साथ दोस्ती नहीं होती, इनके शनि के साथ इनका सम का रिलेशन होता है, और बुध के साथ, कोई कोई बुध के साथ भी बहुत बोलता है कि दुश्मन है, नहीं मैं मानता हूँ सम का रिलेशनशिप रहता है जुपिटर के साथ। इसके बाद दोस्तों राहु के साथ इनकी नहीं बनती, केतु के साथ इनकी नहीं बनती, शुक्रदेव के साथ भी नहीं बनती इनकी, पर कभी कभी कुछ समय पे बनता है, वो अलग चीज़ है, अलग मटर है, उसको डिपेंड करता है कुंडल की पोजिशन पे। तो इनके साथ बनती है और इनके साथ नहीं बनती दोस्तों। तो अगर जुपिटर को अपने अच्छे घर पे हो, अपने इन राशियों पे, अपने दोस्तों की राशि पर तो बहुत बढ़िया है, स्वामी राशि पर तो जुपिटर और भी अच्छे फल देगा, तो इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जुपिटर के कौन कौन उपाय कर सकते हैं? बहुत आसान है दोस्तों, केले का भी सब पूजा करना थर्सडे को तो बहुत बढ़िया होता है, धूप दीप, पानी देना, आशीर्वाद लेना, बड़े का आशीर्वाद लेने के साथ साथ कभी भी कोर्ट में झूठी गवाही मत देना, किसी लिए कोर्ट में जाके, इसके साथ कभी भी टीचर का अपमान मान करना नहीं करना एकदम, टीचर का हमें सम्मान करना, इसके साथ साथ विष्णु शरद का नाम का जाप करना, विष्णु का पूजा करना, विष्णु का आराधना करना, थर्सडे का फास्ट करना बहुत बढ़िया होता है, ये लो चीज़ दान करना, किसी तरह की कपड़े हो, साड़ी हो, लड़कियों को जो उनके शादी होने वाले, शादी हो चुके इनको सुहागन की चीज़ें दान करना बहुत बढ़िया होता है, पानी में हल्दी मिलाकर नहाना भी बहुत बढ़िया होता है, और पीपल के वृक्ष को भी पानी देना थर्सडे को बहुत बढ़िया होता है। इसके साथ साथ बच्चे को, किसी बच्चे को शिक्षा का के लिए हेल्प करना बच्चे को, तो यह भी बहुत बढ़िया चीज़ होता है। एक कुछ उपाय थे, केसर का तिलक लगाना, केसर का दान करना, पंडितों को दान करना, मंदिरों में दान करना,
फूल रिलेटेड चीज़ें, ये लो चीज़ें दान करना बहुत बढ़िया होता है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रत्न भी इस्तेमाल कर सकता है पावर बढ़ाना चाहता है तो दोस्तों दोस्तों मेरा वीडियो इसी तरह मेरे वीडियो अच्छा कमेंट करना भूल। इस तरह बाकी वीडियो भी आप बोल कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर मेरे ब्लॉग पर आसानी से फॉलो कर सकते हैं और लाइक से कमेंट करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।